हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस कमाल के वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए टॉप 5 अमेजिंग गैजेट्स अंडर 500 रुपीज। सो गाइज, अगर आप इनमें से कोई भी गैजेट को परचेस करना चाहते हो तो लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से जाकर आप इनमें से कोई भी गैजेट को चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइज, जो गिव अवे की इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइज, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन करके मैं आपको इन सारे गैजेट्स को अनबॉक्स एंड टेस्ट करके बता देता हूँ। सो गाइज, आज के इस वीडियो में जो सबसे पहला गैजेट हमारे पास आ जाता है वो है ये यूबोन की तरफ से आने वाला पोर्टेबल स्पीकर। सो गाइज, इस स्पीकर की एक खास बात है कि ये जो ये आपके फोन के 3.5 mm जैक की मदद से चलता है। तो चलिए अभी इसे अनबॉक्स करके देख लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हमें एक USB टू माइक्रो USB केबल देखने के लिए मिल जाती है, जो कि स्पीकर को चार्ज करने के लिए दी गई है। तो गाइस, अब हम आ जाते हैं अपने मेन यूनिट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पीकर की जो बिल्ड क्वालिटी वो काफी ज्यादा बढ़िया है। गाइस, इस वायर की जो क्वालिटी वो इतनी ज्यादा खास नहीं है, बट गाइस यहाँ पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। अगर मैं पीछे की तरफ बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक ऑन ऑफ स्विच देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर लाइट देखने के लिए मिल जाती है, एंड यहाँ पर है इसका चार्जिंग पोर्ट। एंड गाइस, ये जो नॉब आप देख रहे हो ये इसके वॉल्यूम को हाई एंड लो करने के लिए दिया गया है। तो चलिए गाइस, अब इस स्पीकर को टेस्ट भी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं स्पीकर को ऑन कर लेता हूं, एंड अब यहां पर मैं इस वाली पिन को अपने फोन के 3.5 mm जैक के साथ कनेक्ट करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो पॉपअप आ चुका है। तो चलिए इसे मैं आपको प्ले करके बता देता हूं। तो गाइज, ये यहाँ पर आपने सुन लिया कि कैसी इसकी साउंड क्वालिटी। तो गाइज, यहाँ पर इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे तो काफी ज्यादा बढ़िया लगी है। एंड गाइज, एक और चीज जो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी है वो है इसका ये नॉब। यहाँ से भी आप जो इसका वॉल्यूम हाई एंड लो कर सकते हो। सो गाइज, अंडर 500 रुपीज ये जो पोर्टेबल स्पीकर है ये मुझे तो काफी ज्यादा बढ़िया लगा। एंड अगर आपको भी ये स्पीकर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज, इसके बाद जो गैजेट यहाँ पर हमारे पास आ जाता है वो है एक मल्टीपर्पज पेन। तो चलिए मैं इसे भी आपको निकाल कर बता देता हूँ। तो गाइज, ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पेन है ये हमें कुछ इस टाइप के एक मेटालिक केस के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए अब मैं आपको इसे ओपन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अंदर की तरफ यहाँ पर आपको एक पेन देखने के लिए मिल जाती है, एज वेल एज यहाँ पर आपको 3 extra batteries देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए अब आते हैं पेन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पेन है ये पूरी तरीके से एक मेटालिक फिनिश के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए इसके फर्स्ट फंक्शन की बात कर लेते हो। तो यहाँ पर एक नॉर्मल फंक्शन जो हर पेन का होता है वो है लिखना। तो चलिए इसे अब लिख के देख लेते हैं। तो गाइज, राइटिंग के मामले में ये जो पेन है ये काफी ज्यादा स्मूथ है। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है मैग्नेटिक स्टिक। तो इसके लिए जो आपको सिंपली इस तरीके से इसे एक्सटेंड कर देना है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो स्टिक है वो कितनी ज्यादा एक्सटेंड हो चुकी है। तो सपोज जो है आपका कोई कॉइन या फिर कुछ भी मेटालिक चीज अगर आपके बेड के नीचे या फिर कबर्ड के नीचे चली जाती है तो उसे जो आप इसकी मदद से निकाल सकते हो। लाइक सपोज यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो केस है ये मेटल से बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये इस तरीके से यहाँ पर इससे चिपक जाती है। एंड गाइज, इसी तरीके से अगर आपका कोई कॉइन या फिर कुछ भी मेटालिक चीज अगर आपके बेड के पीछे या फिर कबर्ड के नीचे चली जाती हो तो उसे जो आप इसकी मदद से निकाल सकते हो। तो और दो फंक्शन हमें इस पेन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमें दो बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाले बटन को प्रेस करने से इसके अंदर एक लेजर लाइट ऑन हो जाती है। तो इसे जो आप कुछ भी चीज पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एंड गाइज, यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हो इस वाले बटन से जो है आप इसके अंदर एक LED टॉर्च जला सकते हो। तो गाइज, इस टॉर्च की इंटेंसिटी जो है वो इतनी भी ज्यादा बढ़िया नहीं है, बट गाइज यहाँ पर अंधेरे के अंदर ये जो है काफी ज्यादा आपको प्रोवाइड कर देगी। सो गाइज, ये जो पेन है ये मुझे तो काफी ज्यादा बढ़िया लगी है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर जो आपको पूरी मेटालिक फिनिश के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। सो गाइज, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास आ जाता है वो है ये LED नाइट लैंप। तो गाइज, ये जो है ये कोई नॉर्मल LED नाइट लैंप नहीं है। तो चलिए इसे भी मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। सो गाइज, ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ये कुछ इस टाइप का आपको LED नाइट लैम्प देखने के लिए मिल जाता है। तो सिंपली आपको जो इसे डायरेक्टली सॉकेट में प्लग कर देना है, एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ एक सेंसर दिया गया है जिसकी मदद से जो है जैसे ही लाइट्स ऑफ होगी तो ये जो है अपने आप सेंस करके इसकी जो लाइट्स है वो ऑन कर देगा। तो चलिए अब इसे मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। सो गाइज, ये जो LED नाइट लैंप है ये मुझे तो काफी ज्यादा बढ़िया लगा, स्पेशली यहाँ पर ये जो है अपनी लाइट्स चेंज करता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। एंड गाइज, यहाँ पर अगर ये आपके बेडरूम में लगा होगा तो काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा। सो गाइज, जो नेक्स्ट गैजेट यहाँ पर हमारे पास आ जाता है वो है ये मल्टीपर्पज स्क्रू ड्राइवर। बट गाइज, यहाँ पर इस प्रोडक्ट की एक खास बात मुझे ये लगी कि ये है मेड इन इंडिया। तो चलिए अब इसे भी मैं आपको अनबॉक्स करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो केस है वो कितना ज्यादा बढ़िया है। तो चलिए अब इसे ओपन करके देख लेते हैं।
तो ओपन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका मेन यूनिट देखने के लिए मिल जाता है जो कि एक स्क्रू ड्राइवर। तो आप देख सकते हो ये जो स्क्रू ड्राइवर है ये काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर इसके अंदर जो है काफी ज्यादा बढ़िया ग्रिप भी देखने के लिए मिल जाती है आपको। एंड गाइज ये जो ग्रिप है ये पूरी तरीके से रबर की बनी है, तो यहाँ पर आपको हाथ में कोई भी इरिटेशन नहीं होगी। एंड गाइज ये यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ये कुछ इस टाइप की यहाँ पर इतनी सारी आपको बिट्स देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए अब मैं इसके अंदर से एक बिट निकाल लेता हूँ। तो चलिए अब मैं इसे आपको टेस्ट भी करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक पुरानी 3 पिन पड़ी है, तो चलिए इसे हम ओपन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसकी एक पिन निकाल दी है। तो चलिए इसे वापस से टाइट करके भी देख लेते हैं। सो गाइज आप देख सकते हो ये जो है वापस से टाइट भी हो चुकी है। तो गाइज यहाँ पर ये जो स्क्रू ड्राइवर है मुझे तो काफी ज्यादा बढ़िया लगा है, स्पेशली इसकी जो ग्रिप है ये आपके हाथ में किसी भी तरह का कोई पेन नहीं होने देती। सो गाइज आज के इस वीडियो में जो लास्ट गैजेट यहाँ पर हमारे पास है वो है ये फोन लेंस। तो गाइज यहाँ पर इसके अंदर आपको एक वाइड एंगल लेंस एंड एक मैक्रो लेंस देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए अब इसे भी अनबॉक्स करके देख लेते हैं। तो गाइज ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एक लेदर बैग में दिया गया है, तो ये जो है मुझे काफी ज्यादा एक बढ़िया बात लगी। तो गाइज सबसे पहले हमें इस लेदर पाउच के अंदर एक इस तरह की क्लिप देखने के लिए मिल जाती है जो कि आपके फोन के अंदर लगेगी। तो गाइज नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ये लेंस। तो आप देख सकते हो ये जो है कुछ इस टाइप का एक लेंस देखने के लिए मिल जाता है आपको। सो गाइज आई थिंक जो है इसी के अंदर दो लेंसेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एक वाइड एंगल लेंस है, एंड यहाँ पर इन दोनों को अलग करने से यहाँ पर आपको एक मैक्रो लेंस देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हो ये जो है कुछ इस टाइप का है। तो चलिए गाइज अब मैं आपको इस वाइड एंगल लेंस को एंड इस मैक्रो लेंस को टेस्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस क्लिप को लगा लेता हूँ। सो गाइज ये यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसका वाइड एंगल लेंस लगा दिया है। एंड गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये टेबल का कितना ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो गाइज इस वाइड एंगल लेंस को निकालते ही गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ये ओरिजिनल फुटेज है। सो गाइज यहाँ पर इसका जो वाइड एंगल लेंस है वो तो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। चलिए अब इसके मैक्रो लेंस को टेस्ट कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कुछ इमेजेस है वो मैंने इस मैक्रो लेंस की मदद से खींची है। सो गाइज ये जो वाइड एंगल लेंस एंड मैक्रो लेंस है ये तो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा है, स्पेशली इसकी जो लेंस की क्वालिटी वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड गाइज यहाँ पर आपको जो है कुछ इस टाइप के कवर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। सो गाइज ये यहाँ पर मैंने आपको इन पांचों गैजेट्स को अनबॉक्स एंड टेस्ट करके बता दिया है। सो गाइज ये जो पांचों गैजेट्स है ये मुझे तो काफी ज्यादा बढ़िया लगे। तो गाइज अगर आप इन पांचों में से कोई भी गैजेट को परचेस करना चाहते हो तो लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे तो वहां से जाकर आप इन्हें परचेस कर सकते हो। एंड गाइज एक और बात की मेरे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, जिसमें कि जैसे ही मेरे 100 सब्सक्राइबर्स होंगे तो मैं जो किट फॉर क्यूरियस के किट का गिव अवे करने वाला हूं। तो अगर आप उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड आपको जो अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।